आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गुणनखंड करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो के बाद आपको फैक्टर करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम है और भी हम प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारी कैटेगराइज की प्रॉब्लम होगी और जो कि हर एक मेथड को, जितने भी इसमें मेथड इम्प्लीमेंट होते हैं, सारे के सारे मेथड को कवर करेंगी। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर आपकी फैक्टराइजेशन की, यानी कि गुणनखंड की, तो उसके लिए आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ax स्क्वायर प्लस b प्लस c, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि जो ये b है, ये जो b की जो वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस b की वैल्यू के जो भी फैक्टर करेंगे आप, इसकी जो फैक्टर करेंगे वो a इंटू सी के गुणन के बराबर होंगे विद साइन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि जो आपका b प्लस b होगा, ठीक है, वो आपका, यानी कि आपके कुछ भी ये हो सकता है, यहाँ पे x1 हो सकता है और x2 हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वो इक्वल टू होगा a इंटू सी के विद साइन, यानी कि जो साइन होगा चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, उसके इक्वल टू होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास देखिए कि b में जो दिया है वो दिया है प्लस एट दिया है। अब इस प्लस एट को अगर आप देखिए कि इस इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, प्लस थ्री है प्लस फोर है, यानी कि 3 × 4 इक्वल टू आएगा 12। ओके, अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करेंगे आप, यानी कि 8 जो है इन दोनों का जो इक्वल टू आएगा वो 12 आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो फैक्टर करेंगे, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो प्लस का 12 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो सकता है प्लस 6 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो प्लस 8 आएगा और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई। ओके, अब देखिए, जब ये चीज समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करना है, इसको आपको तोड़ के लिखना है, इस जो प्रॉब्लम है आपकी, इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे, ये चीज आप सेम लिखेंगे, 3x स्क्वायर सेम लिख लेंगे। ओके, अब जो आपका 8x है इसको आपको दो फैक्टर में लिखना है, यानी कि इसको लिखेंगे आप प्लस का 6x और प्लस का 2x। बताइए कोई भी चेंजेज हुआ, नहीं हुआ। और प्लस का जो आपका सी है, यानी कि 4 है, वो आपका सेम रहेगा। ओके, ये आपने लिख दिया। अब देखिए कि इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन है, जो कि आपको, कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी कि 3x स्क्वायर और 6x के बीच में अगर हम 3 का कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 का भाग जा सकता है 6 में और 3 का यहां पे भी भाग जा सकता है, ठीक है। तो 3 का कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर इसमें, यानी कि 2x इसमें है और 1x इसमें, तो इसमें एक्स का भाग जा सकता है, ठीक है। तो जब आप 3x स्क्वायर निकालेंगे, 3x निकाल लेंगे बाहर इससे, तो यहां पे कितना बचेगा, x बचेगा। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कैसी, देखिए जैसे आप किसी चीज पे भाग देते हैं, भाग देने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए 4 में हम भाग देंगे 2 का, तो यहां पे हमारा 2 4 आएगा तो 2 बार कट गया, ठीक है। तो ये 2 बार कट गया, 2 बचेगा ना। तो यहां पे ऐसे हमने 3x स्क्वायर में 3 निकाल लिया और x निकाल लिया, तो हमारे पास सिर्फ x बचा। ओके, और यहाँ पे 6x था, तो हमने जब इस पे भाग दिया तो हमारे पास जैसे 6x है, ठीक है। अब इसमें हमने जब भाग दिया तो 3x से, तो x से x तो कट गया और 3 से कटा तो 2 बचा, तो कितना बचा, 2 बचा। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कॉमन लेना है। अब ध्यान रखिएगा, जो कॉमन आपको लेना है वो जो इस ब्रैकेट के अंदर है, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिया है, वही चीज जो आप कॉमन लेंगे उसके दूसरे वाले जो ब्रैकेट के अंदर, वो सेम आनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम 2 का कॉमन ले लें, जैसे इस दोनों में अगर हम 2 का कॉमन ले लें, प्लस 2 का कॉमन ले लें, तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे जब 2 से भाग देंगे 4 में तो प्लस का 2 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वाली वैल्यू है, ये जो आपके वाली ब्रैकेट में जो वैल्यू है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 जो है वो सेम है। जब तक ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं होगी, आपका जो फैक्टर है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, पूरे में कॉमन लेना है। तो पूरे में जब कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 का जब कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो एक्स प्लस 2 का आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा 3x
और यहाँ पे बचेगा 2y। अब आपको बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इससे आगे भी सॉल्व करेंगे कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। जब भी आपके अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें x के बराबर 0 होगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम को, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार की प्रॉब्लम ही अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे 35 है। ठीक है, अब आपको माइनस 2 के फैक्टर करने हैं जिनका गुणन यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस का 35 होना चाहिए और उन दोनों का जो समीशन एडिशन जो भी होगा वो माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें माइनस 7 लिखते हैं और प्लस का 5 लिखते हैं तो आप ये बताओ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 आएगा और इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 7x प्लस 5x और माइनस का 35 सेम रहेगा। ठीक है, अब सेम जैसे हमने इस वाले प्रॉब्लम में किया था वैसे हमने इसमें फैक्टर लेने। तो अब देखिए इसमें और इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ x का फैक्टर कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और आप इसमें देखिए कि 5 है और यहाँ पे 35 है, तो अगर आप प्लस के 5 का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा क्योंकि 5 में जब 35 का भाग 5 से जब 35 में भाग देंगे तो माइनस का 7 आएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पे साइन है। तो अब आप यहाँ पे x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, ये आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अगर हम एक प्रॉब्लम देखें जिसमें मान लीजिए कि x की वैल्यू भी क्या कल भी कभी क्या होता है कि x की वैल्यू जो है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि सेम जो हमारा रूल है ऊपर से हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूल में हम माइनस की 8 को हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टर करेंगे जो कि हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन 15 हो रहा है उसके इक्वल में होना चाहिए यानी कि प्लस में आना चाहिए। तो हम क्या करें कि इसको अगर हम जो हमारा माइनस का 8 है, ठीक है, इसको अगर हम माइनस का 5 और माइनस का 3 लिख दें तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, इस वाली प्रॉब्लम को आप जब तोड़ के लिखेंगे तो तोड़ के लिखने के लिए आपको 3x स्क्वायर ठीक है माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि इसमें 3x स्क्वायर माइनस का 5 है, इसमें माइनस 3x प्लस 5 है, तो आप इसमें x का कॉमन लेंगे तो 3x ओके 3x माइनस 5। अब देखिए इसमें जो है वो आपका 3x माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आपके लिया है 3x प्लस 5 लिखा हुआ इस वाले के लिए, लेकिन इसमें अगर हम माइनस का कॉमन ले दें, माइनस का 1 का कॉमन ले लें तो यहां पे 3x माइनस 5 बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ओके, तो 3x माइनस 5 ये आपका आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जब x की वैल्यू निकालनी होती है तब आप क्या करना है कि इन दोनों में एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 3x जब ये इस साइड जाएगा तो आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, 5 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/3। ठीक है, अब एक बार हम इसको जीरो करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, ओके, तो x बराबर 1, यानी कि अगर हम x की वैल्यू देखें तो आएगी 1 और 5/3। ये आपकी इस प्रॉब्लम जो आपकी ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम की जो x की जो वैल्यू है वो ये आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम हो जाएंगी आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
हम आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जिसका आप सोल्यूशन हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रॉब्लम आपके लिए है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, आपके पास ये प्रॉब्लम है 3x² - 10x + 8 = 0। इस प्रॉब्लम का आपको x की वैल्यू जो है वो हमें कमेंट करना है। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कोई भी डाउट है गुणनखंड करने में, फैक्टराइजेशन निकालने में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहे हैं, आप वहां पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उस प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।